हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल आप लोग का स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा फिटर के लिए ट्रेड थ्योरी की क्लास लेके आया हूँ। और ये जो क्लास है ये सेकेंड ईयर के लिए है, और सेकेंड ईयर में फिटर फिटर के लिए क्लास है। और आज हम पढ़ेंगे लैपिंग के बारे में। पिछली कक्षा में हमने स्लिप गेजेस के बारे में पढ़ा था, साइन बार के बारे में पढ़ा था, और आज हम जो पढ़ेंगे वो लैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग ये विषय सूची देख रहे हैं, सामने इंडेक्स देख रहे हैं, इंडेक्स में हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने स्क्रू के बारे में पढ़ लिया है, स्क्रू ड्राइवर के बारे में पढ़ लिया है, नट्स के बारे में पढ़ लिया है, कीज के बारे में पढ़ा, फाइल्स के बारे में पढ़ा, स्क्रैप परीक्षण के बारे में पढ़ा, टेम्पलेट के बारे में पढ़ लिया है, गेजेस के बारे में पढ़ लिया है। इससे पिछली क्लास में हमने स्लिप गेजेस के बारे में पढ़ा था, साइन बार के बारे में पढ़ा था, इसलिए उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे लैपिंग के बारे में, लैपिंग और उससे संबंधित जो भी अलग अलग बातें होंगी सारी चीजें इसमें कवर की जाएंगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज लैपिंग का चैप्टर। लैपिंग क्या होती है? लैपिंग एक प्रकार की एक ऐसी मशीनिंग प्रक्रिया है किसी भी जॉब पर, जिसके द्वारा हम उस पे उसकी क्या कहते हैं, ज्यामिति को सुधारते हैं। उसकी जो ज्यामिति होती है, जो एक्यूरेसी होती है, उसे सुधारते हैं। सरफेस फिनिश को रिफाइन करते हैं, जो सरफेस की जो फिनिशिंग होती है उसको और उच्च और बेहतर बनाते हैं, और उच्च कोटि की विमीय शुद्धता प्राप्त करते हैं। जो हायर एक्यूरेसी, जो डायमेंशनली जो हायर एक्यूरेसी है, नाप है, माप है, वो हम प्राप्त करते हैं। और मिलाने वाले अवयवों के बीच मध्य फिट की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। कोई दो पार्ट्स अगर आपस में फिटिंग होनी है, जैसे कोई ये दो पार्ट्स हैं और इनकी आपस में फिटिंग होनी है, तो इनके बीच में जो फिटिंग की जितनी एक्यूरेसी होगी, हायर एक्यूरेसी होगी, उसकी एक्यूरेसी को और ये बढ़ा देगा। ठीक है, तो दो मैचिंग पार्ट्स की एक्यूरेसी को ये आपस में और भी ज्यादा बढ़ा देता है। कुल मिलाकर क्या करता है कि क्वालिटी में सुधार लाना, क्वालिटी में और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम लैपिंग का उपयोग करते हैं। लैपिंग सरफेस की एकदम फिनिश की जाती है इसमें, हाई सरफेस, और जो फिटिंग होती है उसको और बेहतर बना लिया जाता है। तो लैपिंग प्रक्रिया, लैपिंग करने की विधि में लैपिंग कंपाउंड के साथ चार्ज किए हुए लैप के सापेक्ष कार्य को रगड़ते हुए कुछ मात्रा में मेप पदार्थ हटाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, जो भी वर्डिंग है वो ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं है जो कि आप लोग समझ सके। तो लैपिंग प्रक्रिया मैं आपको समझा देता हूँ क्या होती है। जैसे चित्र नंबर फिगर नंबर दो में देखिए, आप लोग फिगर नंबर दो यहाँ देखिए, इसमें देखेंगे आप लोग कि ये जॉब है, ये कोई जॉब है, ये प्लेट है, लैपिंग प्लेट, लैपिंग प्लेट लिखी हुई है, लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ये ऐसा जॉब है जिसकी लैपिंग करनी है हमें, ये जो सरफेस है इसकी लैपिंग हमें करनी है। लैपिंग मतलब इसको घिस कर इसमें चमक लानी है, सब इसको और ज्यादा फिनिश करना है, इसी को बोलते हैं लैपिंग। तो लैपिंग देखिए, ये बहुत ही ऐसी चीज दिखाई जा रही है जो दिखाई नहीं जाती, बहुत ही बड़े जूम करके दिखाया गया ये चीजें आपको। ये क्या है, ये जो स्थिति दिखाई जा रही है ये इन दोनों के बीच की स्थिति है। ये जो इसका सरफेस है, जब रगड़ेंगे आप इस जॉब को, जब इस पे रगड़ेंगे हम, घिसेंगे आगे पीछे, तो घिसने से क्या होगा, जॉब के जो पार्ट है वो टूट टूट कर, जो एक्स्ट्रा जो उभरे हुए पार्ट है, क्योंकि जब फिनिशिंग करेंगे तो वो समतल होगा, समतल में जो उभरा हुआ पार्ट होगा टूटेगा। ये इतना बारीक कण है जो आंखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसको आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बड़े कण में दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि एक केमिकल के साथ इसके ऊपर लगाया जाता है, फिनिशिंग केमिकल होता है, फिर उसके बाद इसको रगड़ा जाता है, तो पार्टिकल टूट टूट कर इस फॉर्म में टूट टूट कर इस पे जाके जमा होने लगते हैं। जो स्लॉट बीच बीच में बना है ना, सारे जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसमें जाकर इकट्ठा होने लगता है, और जो सरफेस होती है वो ऊपर वाली, या जो भी सरफेस रगड़ी जा रही है वो फिनिश होने लगती है, चिकनी होने लगती है।
तो जिससे हम लोग हायर एक्यूरेसी प्राप्त करते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं लैपिंग। अब लैपिंग करने का अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ मशीनों से किया जाता है, कुछ हाथ से किया जाता है मैनुअली। तो जैसे ये जो प्रक्रिया, यहाँ पर हम हाथ से ही जो आपको पकड़ के रगड़ेंगे, बहुत हल्का दबाव, बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं और बहुत कम दबाव भी नहीं, एकदम हल्का दबाव सेंस करके उसे रगड़ा जाता है, और चारों सरफेस एक बराबर पे, तो रगड़ते रगड़ते जब तक उसकी सरफेस एक बराबर समतल ना हो जाए। लैपिंग कंपाउंड जिसे कार तथा लैप के बीच में लगाया जाता है, ये लैपिंग कंपाउंड भी होता है। एक लैपिंग कंपाउंड एक तरल पदार्थ टाइप का होता है जो पहले उसके सरफेस पे लगा दिया जाता है। मान लीजिए मुझे इसे घिसना है, इस पदार्थ को पहले मैं इस पे लैपिंग कंपाउंड लगा दूंगा, फिर इसके ऊपर रख के इसको घिसूंगा। तो लैपिंग कंपाउंड क्या करता है कि इन दोनों के बीच में एक सुमेलित, इन दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड बना के तैयार करता है ताकि जो भी फ्रिक्शन हो वो एकदम स्मूथ तरीके से हो, और जो हमारा पार्ट है, जो सरफेस फिनिश है, सरफेस फिनिश में किसी प्रकार की खरोंच ना है, वो एकदम फिनिश हो, चमकना चमकता हुआ दिखाई दे, इसलिए हमें ऐसे कंपाउंड का इस्तेमाल बीच में किया जाता है। डायरेक्ट लोहे को लोहे से या किसी मेटल को मेटल से नहीं रगड़ा जाता, उसके बीच में एक परत हल्की सी किसी न किसी लुब्रिकेंट की लगा दी जाती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। चपटी सतह की हस्त लैपिंग, हैंड लैपिंग ऑफ अ फ्लैट सरफेस, जो ऊपर आपको चित्र दिखाया जा रहा है ये हैंड लैपिंग का ही एक उदाहरण है। इसमें दिखा लिखा है हैंड लैप की जाती है जो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से बनी होती है। ये जो है ना क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, जो इसकी लैपिंग प्लेट है इसकी बनी होती है। शुद्ध परिणाम प्राप्त करने के लिए प्लेट की सतह को सही तल में होना चाहिए, जैसे उसने बताया ना समतल होना चाहिए, ये नहीं कि उबड़ खाबड़ रखा हुआ है, ये जो एकदम समतल होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए जिस पर रखा गया है। टूल रूम में सामान्यतः उपयोग होने वाली लैपिंग प्लेट में जिसका सरफेस पर क्रॉस वर्ग बने होते हैं, जैसे ये सब बने हुए क्रॉस वर्ग ना बने होते हैं, चौड़ाई में संकरे खांचे कटे होते हैं। लैपिंग करते समय एकत्रित लैपिंग कंपाउंड कार को चलाते समय अंदर तथा बाहर घुमाता है। जो उसके जो लैपिंग कंपाउंड होते हैं, जब आप इसको रगड़ते हैं तो आगे पीछे करता है, तो वही अपघर्षी पदार्थ होता है उसकी सरफेस को फिनिश करता है। यह विधि जिसमें लैप के सरफेस के ऊपर अपघर्षी तथा कण सहित होते हैं जो लैप किए जाने वाले अवकों की अपेक्षा नरम होते हैं। यह विधि जिसमें लैप की सरफेस के ऊपर अपघर्षी कण, लैप की जो सरफेस होती है उस पर अपघर्षी कण लगे होते हैं जो लैप किए जाने अवयव से भी नरम, मतलब उनसे भी वो सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल के होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल से कटिंग करना एक तरीके से, जिससे क्या होगा आपके जो सरफेस होगी उस पर खरोंच नहीं आएगी क्योंकि वो उससे भी ज्यादा सॉफ्ट है। ढलवा लोहे के लैप को अवशोषित करने के लिए लैपिंग प्लेट की सतह पर अपघर्षी पदार्थ की पतली परत लगाई जाती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब फिनिश किए हुए हार्ड स्टील ब्लॉक का उपयोग करें तथा कटिंग कणों को लैप में दबाएं, जो दबाकर आपको उसको आगे पीछे मूव करना है जिससे वो लैपिंग प्रॉपर तरीके से हो सके। ऐसे रगड़ने की क्रिया कम से कम करना चाहिए। जब लैपिंग प्लेट पूरी तरह सतह हो जाए तो सरफेस एक समान भूरे रंग की दिखाई देने लगती, जो सरफेस होगी एक समान दिखाई देने लगी। यदि सतह पूरी तरह से चार्ज ना हुई हो तो कहीं कहीं पर चमकदार स्पॉट, अगर मान लीजिए कहीं हाई पॉइंट है तो आपको अलग से दिखेगा वहां पर एक हिस्सा चमक रहा है, जैसे आपने सरफेस प्लेट की तो यहाँ पे कोई हिस्सा चमक रहा होगा अलग से, नहीं तो सारी सरफेस एक बराबर दिखाई देगी आपको अगर आपकी लैपिंग सही हुई है तो। ठीक है, अब आगे क्या है, गीली एवं सूखी लैपिंग। लैपिंग भी दो प्रकार की, एक गीली लैपिंग होती है, एक सूखी सूखी लैपिंग होती है। लैपिंग का या तो गीला या सूखा किया जा सकता है। गीली लैपिंग में अधिक तेल या लेप के स्थान सतह पर अपघर्षी अधिक होते हैं। जैसे ही लैप किया जाने वाला कार्य लेप चलता है तो एब्रेसिव के कण भी गति में होते हैं। जैसे लिपि जैसे बताया ना कि अगर गीले प्रकार के लेप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जब भी हम रगड़ते हैं तो जो कण के अवयव होते हैं उसके वो भी उसके साथ आपस में चलने लगते हैं अब्रेसिव के साथ। लैप मटेरियल एंड लैपिंग कंपाउंड। लैप मटेरियल क्या होता है, लैपिंग कंपाउंड क्या होता है, इस अभ्यास के अंत में हम लोग लैप मटेरियल, विभिन्न प्रकार के लैप पदार्थों के नाम बताएंगे और उनके गुणों के बारे में बताएंगे। लैप बनाने में उपयोग होने वाले पदार्थ को लेप किए जा रहे उत्तर कार्यखंड से अधिक नरम होना चाहिए, मतलब जो भी जॉब होना होता है हमारा
जो भी लैपिंग मटेरियल है, जो भी उसके ऊपर हम छिड़कते हैं उस घिसने के लिए, वो जॉब से सॉफ्ट होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, जॉब से सॉफ्ट होना चाहिए। हार्ड होगा तो जॉब को ही घिस देगा, तो जॉब को उतना ही घिसे जैसे कि आप देखते हैं कि कुएं से पानी खींचते हैं, तो एक यहाँ पे व्हील लगा होता है, लोहे का होता है, और उस पर रस्सी क्या होती है, ऐसे लगी होती है। तो रस्सी तो लोहे की नहीं होती, लेकिन इतना चलते चलते एक ऐसी कंडीशन आती है कि रस्सी भी लोहे को घिस देता है और वो हिस्सा चमकने लगता है, जबकि वो उससे नर्म होता है। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी है कि हमें नर्म धातु से हार्ड धातु को रगड़ना होता है और उसे चमकाना होता है बिना उसे चोट पहुंचाए। यही कंडीशन वहां भी अप्लाई होती है। लैब समानांतर निम्न से बने होते हैं, क्लोज्ड ग्रेन आयरन, तांबा, पीतल या शीशा। लैब होते हैं मेन इसी तीन चीजों के बने होते हैं, क्लोज्ड ग्रेन आयरन, तांबा, पीतल या शीशा। ठीक है, इसके बाद सामान्यतः उपयोग में आने वाले अपघर्षी, जो अपघर्षक बीच में इस्तेमाल करते हैं ना, जो लगाते हैं मटेरियल, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरॉन कार्बाइड और डायमंड हीरा। सिलिकॉन कार्बाइड यह बहुत कठोर अपघर्षी है, लैपिंग करते समय नए कर्तन धारों को बनाकर तीखी कर्तन धारें लगातार टूटती रहती हैं। इससे ग्रिट नुकीली व भंगुर होती है, इसके कारण इसे कठोर स्टील तथा कास्ट आयरन के लेप के लिए आदर्श माना जाता है। जैसे कोई कास्ट आयरन, आपका जॉब अगर कास्ट आयरन का है और उसकी लैपिंग करनी है, तो आपको सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ये हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, जो कठोर से कठोर मटेरियल को आसानी से काट कर उसकी फिनिशिंग आसानी से कर सकता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड नुकीला होता है तथा सिलिकॉन कार्बाइड से अधिक मजबूत होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड बिना फ्यूज किया हुआ फ्यूज्ड के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद स्टाक को प्रभावशाली ढंग से हटाता है तथा उच्च क्वालिटी की फिनिश प्रदान करता है। अगर आपको हाई क्वालिटी फिनिश चाहिए तो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद बोरान कार्बाइड, यह महंगा अपघर्षी पदार्थ है जो कठोरता में हीरा के बाद दूसरा है, मतलब हीरा सबसे हार्ड होता है, उसके बाद बोरान कार्बाइड ही होता है। यह डाई तथा गेज जैसे विशेष अनुप्रयोगों में महंगा होने के कारण उपयोग किया जाता है। और कोई डाई है या गेज है ऐसा इक्विपमेंट जिसमें हायर एक्यूरेसी में वर्क होना है, ऐसी जगहों पर हम लोग बोरान कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं अपघर्षी पदार्थ के रूप में। ठीक है, अपघर्षी पदार्थ, लैपिंग एब्रेसिव जिसे बोलते हैं, लैपिंग एब्रेसिव अपघर्षी पदार्थ को बोलते हैं लैपिंग एब्रेसिव। इसके बाद हीरा, यह सभी पदार्थों में से सबसे कठोर होने के कारण इसे टंगस्टन कार्बाइड को लैप करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर टंगस्टन कार्बाइड जो है, अगर उसे लैप करना है, तब हम हीरे का उपयोग करेंगे। बहुत छोटे छिद्र को जो ग्राइंड नहीं किया जा सकते हैं, को शुद्धता से फिनिश करने के लिए डायमंड लैप तैयार किए जाते हैं। लैपिंग को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, जिसमें आप लोग देख के इजिली समझ जाएंगे कि लैपिंग एक्चुअली में क्या चीज़ होती है। पर ये जानना बहुत जरूरी है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अब आप इसमें देखिए, Between these, ये जो and the नीचे है answer is तांबे की yes, लैपिंग प्लेट है, but if you're अब इस really पे going लैपिंग for कंपाउंड डाला जा रहा primo है, finishes, इसे ही बोलते हैं you लैपिंग really need to कंपाउंड। dedicate the lap to a लैपिंग कंपाउंड डाल particular दिया, grit, अब देखिए क्या but करता है for वो, इसके हाथ run-of-the-mill में stuff जॉब that आएगा। you're just looking for geometry, it ये doesn't make प्लेट that है, much difference. ये लोहे की है, मतलब Within तांबे की reason, you're है, not going to और want to उसके go from बाद 60 to 10 or ये something like इसमें that लैपिंग कंपाउंड इस पे micron. डाल दिया Now, you see, I put a little bit 15 on here. माइक्रोन One का। of the things अब इस with पे जो lapping जॉब है इसके is the हाथ film में, अब thickness, इसकी सरफेस को and फिनिश these करेगा grooved धीरे धीरे, plates उसे really फिनिश help करने with के लिए। that. So I'm just ये देखिए, सरफेस को रख दिया, अब gonna सरफेस को घिस get रहा है। this spread अब जो out. भी एक्स्ट्रा मटेरियल कट रहा And you होगा can ना, see वो that there's a स्लॉट पे film जा जाके, thickness there, जिसके right? But अंदर there's स्लॉट also बने हुए हैं, स्लॉटों में some of जाके the इकट्ठा होता carrier रहेगा, down in the स्लॉट्स में grooves. इकट्ठा हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया So जो to होती do है, इसी really को good हम बोलते हैं lapping, लैपिंग, कि किसी the भी part has to be in good सॉफ्ट मटेरियल, ये contact जो with the इस इन दोनों lap, में क्या होगा, right? ये मटेरियल And हार्ड होगा, ये really मटेरियल सॉफ्ट होगा, तो no, हमेशा सॉफ्ट not मटेरियल से riding on हार्ड मटेरियल की घिसाई की जाती है। a cushion of ठीक है, liquid. तो आशा, ये तो आपको So समझ में आ actually, गया this होगा, is देखिए so I'm किस gonna प्रकार से I लैपिंग like की to जा रही है। cover the whole surface of the plate. इस सरफेस पे वो So पूरी तरीके से घिस रहा है, इसको I मैंने use आपको चित्र में भी circular दिखाया था motions for किताब में little parts कि like लैपिंग this. क्या होती है, And the idea is I'm trying to cover the इस center प्रकार से and the लैपिंग की जाती है। edges, you know, kind of evenly on the plate.
ये है लैपिंग सो प्रोसेस। दैट थिंग्स वेयर अब इससे क्या होगा कि kind जो of उसकी सरफेस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एंड देन आई एम रोटेटिंग द पार्ट अ लिटिल बिट आई एम नॉट रियली पुशिंग वेरी हार्ड आई एम जस्ट कीपिंग इट अ गुड फर्म कांटेक्ट एंड देन वी विल चेक इट अगेन एंड सी फर्दर एंड देन इसको फिनिश कर देंगे इसी को बोलते हैं लैपिंग एंड देन अब चलते हैं अपने टॉपिक पे टॉपिक में हम देखते हैं कि अगला है लैपिंग वाहक हीरा तक मैंने बता दिया था जो अब्रेसिव जो बीच में उसने अब्रेसिव डाला था ना लैपिंग अब्रेसिव्स जो यूज किए जाते हैं बीच में उसी को बोलते हैं लैपिंग अब्रेसिव्स वो अलग अलग चीजें उसमें मिलाई जाती हैं जिससे उसमें तेल मिलाया जाता है उसमें क्या कहते हैं पेट्रोलियम जेली मिलाया जाता है ताकि क्या होता है ये मटेरियल उसके अंदर पड़े होते हैं जैसे जो उसने लिक्विड डाला था उस लिक्विड के अंदर ये सब बोरॉन कार्बाइड हीरा कार्य के अनुसार अलग अलग टाइप के प्रयोग किए जाते हैं। अब लैपिंग वाहक जैसे मैंने अभी बताया ना किस चीज़ के अंदर ये पड़े होते हैं तो पानी में घुलने वाले तेल वनस्पति तेल मशीन तेल अलग अलग मशीन का तेल पानी में घुलने वाले तेल वनस्पति तेल पेट्रोलियम जेली इसमें ये सब चीज़ें हीरा बोरॉन कार्बाइड ये सब मिले होते हैं फिर उसको सरफेस पे छिड़क कर फिर उसके ऊपर घिसाई की जाती है ठीक है। कॉपर तथा उसके अलाय तथा अन्य लौह धातुओं को सेल्यूबल ऑयल वेंटोमाइट आदि में उपयोग में लैप किया जाता है ठीक है। अवयव को वांछित फिनिश पर निर्भर करते हुए 50 से 800 तक के विभिन्न ग्रेन साइज के अपघर्षी लैपिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये ग्रेड होता है 50 से 800 तक का विभिन्न ग्रेन साइज जो उसका कणों का साइज होता है उसी को बोलते हैं ग्रेन साइज। ग्रेन साइज के लिए अब घर्षी लैपिंग का उपयोग हम करते हैं। तो यहाँ तक हम समझ गए कि लैपिंग क्या होती है। आप लोग को वीडियो से भी हमने दिखा दिया प्रॉपर तरीके से वीडियो में देखिए यही था वहाँ उसके पास गोल सर्कुलर थी यहाँ पर चौकोर है। तो लैपिंग करके क्या करते हैं सरफेस को हम लोग फिनिश करते हैं। अब अगला है कि लैपिंग एक्सटर्नल और इंटरनल सिलेंडर सरफेस। कोई अगर बाहरी सरफेस है कोई गोल आकृति का सरफेस है सिलेंडर है अगर उसके अंदर वाले एरिया में और बाहर वाले एरिया में जो उसका इंटरनल एरिया है और जो उसका बाहरी एरिया उस पर अगर हमें लैपिंग करनी है उसकी सतह को चिकना करना है तो हम कैसे करेंगे उसके लिए क्या तरीका है तो इसमें हम यही बताने वाले हैं आपको। आंतरिक बेलनाकार सतहों की लैपिंग मतलब कोई चीज ऐसी वस्तु है जिसका हमें अंदर ठीक है अब ये कोई गोल सरफेस है गोल जॉब है जो अंदर से क्या है खोखला है जो अंदर से खोखला है अगर मुझे इसके अंदर के सतह की लैपिंग मतलब इसको चिकना करना है रगड़ रगड़ के लैपिंग उसी को बोलते हैं ना लैपिंग मतलब उसको रगड़ के चिकना करना उच्च परिष्कृत सतह हाई फिनिश सरफेस देना करना है तो उसके लिए कुछ ऐसा गोल सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा जो इसके अंदर चला जाए और इसको इसके अंदर घूमे गोल गोल और उसकी जो सतह है उसको चिकना कर दे तो उसके लिए फिगर नंबर एक में आप देखिए इस टाइप की एक सतह है ये जो है इसके ऊपर लैपिंग पदार्थ पहले लगा दिया जाएगा अब्रेसिव लगा दिया जाएगा अब्रेसिव लगा देने के बाद इसको इसके अंदर घुसा दिया जाएगा। एक चीज का ये ध्यान रखना है जो इसकी लंबाई है ये हमेशा होल की लंबाई से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो एक समान यहां से लेके यहां तक एक बराबर घिसेगा सभी सरफेसेस को घिसेगा बराबर तरीके से इसलिए जैसे ये है अगर इसको घिसेगा ये लंबाई है तो इसको इसकी लंबाई से ये ज्यादा होना चाहिए ज्यादा रहेगा तब ये पूरी सरफेस को घिस पाएगा। तो इसके बीच में अब इसके बीच में स्लॉट कटे होते हैं ये देखिए स्लॉट कटे हुए हैं तो जब ये गोल गोल इसके अंदर घूमेगा स्पिंडल की सहायता से या हाथ की सहायता से इसको घुमाया जा सकता है गोल गोल स्पिंडल की या हाथ की सहायता से इसको गोल गोल मशीन की सहायता से घुमाया जा सकता है। जब गोल गोल घुमाया जाएगा तो इसके अंदर जो अब्रेसिव मटेरियल है इसके अंदर गोल गोल घूमेगा घूमेगा जो मटेरियल कटेगा वो उसके ग्रूव में जाके इकट्ठा होता जाएगा। ग्रूव क्या करता है बैलेंसिंग प्रदान करता है घूमते समय कि चारों तरफ जो सरफेस है एक समान कटिंग हो रही है या नहीं और मटेरियल को एक जगह इकट्ठा करने से रोक देता है जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो ग्रूव में चला जाता है। तो ये होता है इंटरनल लैपिंग। इंटरनल लैपिंग इसी को बोलते हैं कि आप अंदर से
लैपिंग कर सकें, किसी चीज़ को अंदर डाल के उसके गोल गोल घुमाएं और उसकी लैपिंग कर दें। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, तांबे के होते हैं। स्लीव जो होता है, ये देखिए जैसे इस चित्र में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो स्लीव है वो तांबे का है। इसको आप हटाकर किसी दूसरे मटेरियल का भी, शीशे का लगा सकते हैं, कॉपर का लगा सकते हैं, एल्यूमिनियम का लगा सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लैब की सतह, लैब को घुमाने संवेदनशील ड्रिल प्रेस का उपयोग किया जाता है। जो लैब का होता है उसको घुमाने के लिए ड्रिल प्रेस का उपयोग किया जाता है। लैपिंग करते समय लैब को छिद्र में भर जाना चाहिए और उसे कस कर रखा जाना चाहिए। जैसे कि ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई प्ले नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर अगर कोई चीज़ अगर हम डालते हैं तो ये जो है होल में टाइट फिट होना चाहिए एकदम, ये ना कि लूज फिट नहीं होना चाहिए, एकदम टाइट फिट प्रॉपर तरीके से, और उसमें कोई प्ले नहीं होनी चाहिए। तभी जो आपकी जो लैपिंग होगी, जब वो चलेगा लैपिंग होगी तो घिसाई होगी, वो एक समान प्रॉपर तरीके से होगी, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था छिद्र की लंबाई, जो लैपिंग प्लेट है उसकी लंबाई जो आपकी लंबाई से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आप आगे देखिए, ये सब हाथ से लैपिंग करने के तरीके हैं। इसके ऊपर आपने एक एब्रेसिव चढ़ा दिया है, फिर इसे अंदर घुसा के होल में इसे गोल गोल जब घुमाएंगे अप राउंड, एक बार इधर एक बार इधर, तो क्या होगा, अंदर की जो सरफेस है, होल के अंदर की जो सरफेस है वो उसको घिसेगा। अब ये अंदर हो गया, अगर बाहर की सरफेस को घिसना है तो क्या करना है, बाहर की सरफेस को घिसने के लिए भी एडजस्टेबल रिंग लैब, एडजस्टेबल रिंग लैब बने होते हैं, उसको बोलते हैं एडजस्टेबल रिंग लैब, जिसमें क्या इसके अंदर भी स्लॉट कटे रहते हैं जो लैपिंग कंपाउंड को फीडिंग करने में तथा साइज को एडजस्ट करने में मदद करते हैं। अब जैसा कि इस चित्र में देखिए, ये जो ऊपर वाला चित्र है इसी का क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दिखाया गया, मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब इसको बीच में से, इसको अगर यहाँ से बीच में से काट दिया जाए तो ये कुछ सामने से ऐसा दिखेगा। तो ये देखिए इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक अंदर सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर स्लॉट कटा हुआ है, यहाँ स्लॉट कटा हुआ है, और जो मटेरियल होगा जिसकी लैपिंग करनी है उसके बीच में आके सेट हो जाएगा मान लीजिए। और जब ये घूमेगा तो मटेरियल कटना शुरू हो जाएगा, जब मटेरियल कटेगा तो इस स्लॉट में जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ये बाहर की तरफ से किसी सिलेंडर पे लगा दिया जाता है, मतलब इसके अंदर कोई चीज़ सॉलिड मटेरियल जिसकी लैपिंग करनी है इसके अंदर डाल दिया जाता है और फिर इसको ऊपर से घुमाया जाता है। तो गोल गोल जब इसके ऊपर ये घूमता है तो उसकी सरफेस को चिकना कर देता है। ये देखिए प्रकार की मैनुअल लैपिंग कर रहा है ये, यहाँ पर इस जॉब में एक होल है, इस होल की अंदरूनी सरफेस को चिकना करना है। इसने क्या किया, पहले लैब को अंदर डाल दिया और फिर इसको हैंडल की सहायता से घुमा रहा है, इससे क्या होगा लैपिंग प्रक्रिया होने लगेगी। ये होता है इंटरनल जो मैंने बताया, जो अंदर की तरफ से हो रहा है, और दूसरा आपको दिखाना है बाहर की तरफ से। ये देखिए फिगर नंबर 10 में देखिए आप, जो सरफेस को हमें लैप करना है ये रही, अब इसके ऊपर हमने एक्सटर्नल लैप को चढ़ा दिया है। चढ़ाने के बाद जब इसको हम गोल गोल ट्विस्ट करेंगे तो उसकी जो सरफेस है वो चिकनी हो जाएगी। इस प्रकार की लैपिंग में जिग और फिक्सचर्स का बहुत बड़ा उपयोग होता है, जिग और फिक्सचर, क्योंकि जॉब को पकड़ना बहुत जरूरी है इसमें। जॉब अगर सही तरीके से एक बैलेंस स्थिति में नहीं पकड़ा जाएगा तो हम किसी भी प्रकार की लैपिंग कंडीशन उस पर हम नहीं कर सकते। अब जैसे कि किसी लेथ मशीन है, ये लेथ मशीन की चक में जो आपको फंसा दिया गया है और इसके ऊपर एब्रेसिव मटेरियल और लैपिंग की जा रही है, इसको रख दिया गया और ये गोल गोल तेजी से आरपीएम से घूम रहा है, और घूमते घूमते क्या हो रहा है, इसके ऊपर की लैपिंग हो रही है और ये एब्रेसिव मटेरियल इसे काट रहा है। अब इसको हमें बस क्या करना है, इसके ऊपर रख के इसको आगे और पीछे की तरफ घुमाते रहना है अब्रेसिव से। तो इससे क्या होगा, ये एक्सटर्नल लैपिंग होती है, जब बाहरी सतह की लैपिंग जिससे हम करते हैं अलग अलग प्रकार की लैपिंग। ये देखिए बाहरी सतह की लैपिंग अगर पूरी तरफ से करनी है, यहाँ चक में इसको फंसा दिया गया है और यहाँ इसके ऊपर
लैप चढ़ा दिया गया है, एक्सटर्नल लैपिंग। जब ये चक घूमेगा और ये लैप क्या है स्थिर रहेगा, तो जब इसके ऊपर के मटेरियल को काटेगा और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उस ग्रूव में जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से लैपिंग की जाती है। अब लैपिंग करते समय पालन की जाने वाली सावधानियां, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसमें हमें लैपिंग करते समय एक ही स्थान पर न ठहरे, मतलब एक ही स्थान पर रुक नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होगा, वहाँ एक्स्ट्रा मटेरियल ज़्यादा कट जाएगा तो वहाँ पर गड्ढा बन जाएगा। इसीलिए लैपिंग हमेशा अपने हाथ को मूवेबल चलाते रहना चाहिए। लैप को सदैव नम मॉइस्ट रखना चाहिए, जिस जहाँ पर हम घिसाई कर रहे हैं हमेशा वो मॉइस्ट मतलब हल्का सा नमी युक्त रहना चाहिए। लैप करते समय अपघर्षी न मिलाएं, नया अपघर्षी न मिलाएं, यदि आवश्यक हो तो पुनः चार्ज करें। जैसे जब लैपिंग कर रहे हैं तो उस समय कोई मटेरियल ऊपर से न डालें। जब एक ही बार में स्टार्टिंग में ही आपको एब्रेसिव मटेरियल डाल देना है और फिर उसके बाद उसके ऊपर घिसाई करनी है। ज़रूरत है तो पूरे प्रोसेस को रोक के दोबारा से डाल दिए और फिर से लैपिंग स्टार्ट कीजिए। लैपिंग करते समय अत्यधिक दबाव ना डालें। लैपिंग करते समय अत्यधिक दबाव डालने से कोई एक हिस्सा ज़्यादा कट जाएगा और जिससे आपकी लैपिंग क्या है ख़राब हो जाएगी। इसलिए बहुत ही आवश्यकता अनुसार जितना दबाव हमें चाहिए होता है उतना दबाव हमें उसके ऊपर डालना चाहिए। तो ये लैपिंग के अलग अलग तरीके हैं। देखिए इसको एडजस्टेबल लैप क्यों बोला जाता है, किसमें स्क्रू है, इसके अंदर जो डाया है ये घटाया बढ़ाया जा सकता है। कोई डाया अगर बड़ा है तो स्क्रू को ढीला कर देंगे, कोई डाया छोटा है स्क्रू को टाइट कर देंगे। तो स्क्रू इसलिए इसका नाम बोलते हैं एडजस्टिंग स्क्रू, और ये एडजस्टेबल होता है, एडजस्टेबल रिंग लैप इसको बोलते हैं, एडजस्टेबल एडजस्टेबल रिंग लैप, एडजस्टेबल रिंग लैप। ये एग्जाम में पूछता है, ये वाली फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ये जो फिगर है इसको पूछते हैं, तो इसको बोलते हैं एडजस्टेबल रिंग लैप, याद रखिएगा आप लोग। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एडजस्टेबल रिंग लैप किस काम में आता है। तो ये किस काम में आता है, जैसा कि आपको बता रहा हूँ, जो बाहरी सतह है, कोई बेलन है, इसकी बाहरी सतह पर अगर हमको चिकना करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इसके अंदर डाल देंगे और इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, बाहरी सतह इसकी चिकनी हो जाएगी। तो बाहरी सतह को चिकना करने के लिए एडजस्टेबल रिंग लैप का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से देख लेते हैं, ये रिंग लैप जो अंदरूनी सतह को, अगर इस टाइप का कोई फिगर आता है एग्जाम में, अगर इस टाइप का फिगर आता है आपके पास एग्जाम में, तो आपको यही करना है। ये देखिए, ये फिगर आता है एग्जाम में इस प्रकार का, तो इसको आप क्या कहेंगे, इंटरनल साइड। अगर इन अंदरूनी सतह पे अगर हमें आंतरिक इंटरनल लैपिंग करने के लिए हमें इस टूल्स का, इस लैप का इस्तेमाल हम करते हैं, इंटरनल लैप का। अंदरूनी सतह पर किसी होल के अंदर अगर हमें ग्राइंडिंग करनी है तो हमें इस प्रकार के इंटरनल लैप का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए घरों में आपने देखा होगा कि जो एमरी पेपर होता है ना, इसके ऊपर लगा के कुछ लोग अंदर घुसा घुसा के, जैसे कोई बेयरिंग होती है घिस जाती है या उसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं, तो घरों में क्या करते हैं मिस्त्री आके एक लोहा होता है उसके ऊपर एमरी पेपर लगा के उसके अंदर डाल के उसको गोल गोल आगे पीछे ट्विस्ट करते हैं। जब ट्विस्ट करते हैं तो वो होल क्या होता है, फिर से स्मूथ हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो वो भी एक प्रकार की क्या है, लैपिंग है, उसको भी लैपिंग बोलते हैं। लैपिंग में उपयोग होने वाले जो आपके जो अपघर्षक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो याद रखिएगा, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरान कार्बाइड और हीरा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो लैपिंग प्रोसेस है मैंने आप लोग को लगभग सारा समझा दिया है, ज़्यादा डिटेल में बस इसमें नहीं, इसमें बस आपको अपघर्षक के बारे में पढ़ना है कि अपघर्षक कौन कौन से इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं और अपघर्षक को चलाने के लिए कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, जिसमें अपघर्षक किसमें मिलाया जाता है। तो उसमें पानी में जो घुलने वाला तेल होता है उसमें वनस्पति तेल, मशीन का तेल, पेट्रोलियम जैली और लौह धातु में लेप करने के लिए उपयोग होने वाले आयल, उसमें उस अपघर्षक को मिलाकर उसके ऊपर रगड़ा जाता है। तो आई होप आज का वीडियो भी आप लोग को पसंद आया होगा, और लैपिंग बहुत ही आसान सी चीज़ है, मैंने आपको जैसा यूट्यूब के माध्यम से वीडियो में भी आपको दिखाया, लैपिंग को बस समझने की आवश्यकता है, बाकी इस चित्रों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, चित्र बहुत आसान थे,
मैंने आपको लैपिंग समझा दी, इसलिए आप चित्र भी अब आसानी से समझ रहे होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना रहा हो या कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको चाहिए, उस पर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो आप उस पर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और आज का जो लैपिंग का जो चैप्टर है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।